से बीजेपी आएगी दिल्ली में? बीजेपी को आना ही चाहिए दिल्ली में, तो बीजेपी को ही देखते हैं। काम खाने के लिए, फ्री के लिए इन्होंने बस और ये कर दी हैं, पर विकास नहीं हुआ है कुछ भी। सिर्फ घोटाले घोटाले हुए देख रहे दिल्ली में। किसकी लहर देख रहे हैं आप? बीजेपी। आम आदमी पार्टी सिर्फ फ्री फ्री कर सकता है, कोई डेवलप नहीं कर सकता। देख रहे कौन सी पॉलिसी पसंद है मोदी जी की? आप मोदी की हर चीज पसंद है। आंटी जी आप बताइए किसे वोट देंगे? केजरीवाल को। बसों में ट्रैवल करती हैं, फ्री की टिकट आप लोगों को मिलते, तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का एक अच्छा काम है ये? महिलाओं के लिए है ये मोस्टली, तो पर जेंट्स कहाँ जाए, ये तो ये भी देखना चाहिए ना, उनके लिए भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। मोदी जी पटरी उठा रहे हैं, रक्षा उठा रहे हैं, सारा काम उल्टा उल्टा कर रहे हैं, कितना बेरोजगार हो रहे सब। अच्छा, चुनाव से पहले कैलाश गहलोत का इस्तीफा, इसके बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, जिसको देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़े झटके के रूप में सामने आया। अब ऐसे में चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता का क्या मूड है, दिल्ली की जनता किसे इस बार सत्ता में देखना चाहती है, चलिए जानने के लिए चलते हैं एक बस में और आपको यहाँ का सफ़र कराते हैं। दिल्ली की जनता की क्या कुछ राय है, किसे वो इस बार सत्ता में देखना चाहते हैं, तमाम जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या नाम है आपका? अंजलि। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं, कौन जीतने वाले हैं? मोदी। अरे शर्माइए नहीं, बताइए। मोदी। मोदी जी आम आदमी पार्टी पसंद नहीं है? पसंद है। पसंद है तो दिल्ली में किसे वोट देंगे आप, आम आदमी पार्टी को या फिर बीजेपी को? डरिए मत, बताइए, सबसे पूछ रहे हैं। बीजेपी। बीजेपी पसंद है। अच्छा आप बसों में सफर करती है तो टिकट फ्री वाला मिलता है आपको? तो फ्री टिकट तो केजरीवाल का है, वोट आप देंगी बीजेपी को, ऐसा क्यों भाई? बताइए बताइए, आप फ्री में सफर कर रही है तो मतलब आपको केजरीवाल को चुनना चाहिए था ना फिर तो। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अंकल जी सवाल आपने सुना है, आप बताइए क्या लग रहा है दिल्ली में किसको जीतता हुआ देख रहे हैं आप? मोदी को देखेंगे, मोदी को। मोदी जी को देख रहे हैं, कौन सी पॉलिसी पसंद है मोदी जी की आप? मोदी की हर चीज पसंद है। जैसे एक आध बता दीजिए। क्या बताऊँ मतलब, क्या क्या काम पसंद है उनका एक आध तो बता दीजिए। उनका चलना फिरना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट देंगे? हाँ जी हाँ जी। केजरीवाल का कोई काम पसंद नहीं है? काम नहीं है, कोई भी पसंद नहीं मेरे को, कोई पसंद। एक भी अच्छा काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। आपने कभी वोट दिया आम आदमी पार्टी को? नहीं दिया। नहीं दिया और ना देने वाले हैं? ना देने। ठीक है तो भैया चलते हैं, मोदी जी की पॉपुलैरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आंटी जी आप बताइए किसे वोट देंगी? केजरीवाल को। क्यों, ऐसा क्यों? बस फ्री की इसलिए? इसलिए। अच्छा अगर कल को बस फ्री ना हो तो क्या केजरीवाल को वोट नहीं देंगी? देंगे। तब भी दोगे? क्यों, ऐसा क्या काम पसंद है आपको? सारा काम पसंद है। जैसे एक आध काम बताइए। बिजली फ्री थी। अच्छा मतलब फ्री जो आपको मिल रहा है वो आपको पसंद है? हाँ। इसलिए आप वोट देंगे? ठीक है आप बताइए क्या लग रहा है आपको इस बार इलेक्शन में कौन जीत रहा है? मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूँ। वोट तो देती होंगी आप, बताइए आम नागरिक। अभी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना मेरा। अच्छा नहीं है, मतलब काम किसका पसंद है? बसों में ट्रैवल करती हैं, फ्री की टिकट आप लोगों को मिलते, तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का एक अच्छा काम है ये? हाँ ये मतलब वही है कि महिलाओं के लिए है ये मोस्टली, तो पर जेंट्स कहाँ जाए, ये तो ये भी देखना चाहिए ना, उनके लिए भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। उनके लिए भी फ्री कर दे, मतलब बजट नहीं गड़बड़ा जाएगा? फ्री ना करें पर थोड़ा बहुत करें कि मतलब क्या करें आप बताइए, क्या करें मर्दों के लिए, क्या किया जाए, क्या चाहती हैं आप पुरुषों के लिए, क्या किया जाए, मतलब उनके लिए भी कुछ करें ना, कि जैसे महिलाओं के लिए थोड़ा ना होता है। मतलब एक आध चीज बताइए क्या चाहती हैं आपके, क्या करें सरकार पुरुषों के लिए? सारा काम कर दिया मोदी जी, पटरी उठा रहे हैं, रक्षा उठा रहे हैं, सारा काम उल्टा उल्टा कर रहे हैं, कितना बेरोजगार हो रहे सब। अच्छा हाँ हाँ यही तो, अब मोदी जी क्या करा, मोदी जी रेडी पटरी सब उठवा दिया, रक्षा बंद करवा दिया, अब क्या करें बस। यूक्रेन की वॉर रुकवा दी है मोदी जी ने, आपको नहीं पता चला अब तक? पता नहीं मोदी जी। चलिए और लोगों से मैं बातचीत कर लेती हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जो माहौल आप देख रहे हैं, अभी जो कैलाश गहलोत मंत्री थे और कई जो पद थे उन्हें दे रखे थे, ऐसे में अचानक से उनका इस्तीफा आ गया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्या लग रहा है आपको? ईडी सीबीआई के डर से किए जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी? नहीं नहीं गलत है, ये आरोप गलत लगाया। वैसे बीजेपी आएगी दिल्ली में, बीजेपी को आना ही चाहिए क्योंकि 25-30 साल हो गए बीजेपी को आए नहीं। आपको लग रहा है दिल्ली बदलाव मांग रही है? बिल्कुल बिल्कुल ना, कांग्रेस ऐसा काम जो आपको पसंद हो बीजेपी का? बीजेपी के सारे काम सही है। जैसे एक आध काम? जैसे कि धारा 370, राम मंदिर, तीन तलाक। और भाई काम, तीन तलाक का आपको क्या फायदा हुआ? मुझे लग रहा है मुस्लिम तो नहीं? नहीं मुस्लिम नहीं है बेटा, मगर लेडीज तो लेडीज भैया भैया से आप बताइए है? तीन तलाक का आपको क्या फायदा हुआ? बेटे हमको फायदा नहीं होगा, जो हमारी बेटी है वो भी बेटी है हमारी, उनको फायदा नहीं होगा? कोई भी
शादी करता है, तलाक तलाक करके छोड़ देता है, तो बच्चे की जिंदगी। देखा था ऐसा कोई मामला कभी कि आपकी नजर में आया हो किसी को तीन तलाक मिला हो? टीवी में देखते हैं। मतलब ऐसे आपने लाइव देखा? मुस्लिम्स तो आपके आसपास रहते हो? नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम नहीं, मुस्लिम बस सुना ही है, टीवी में ही सुना है जो भी। हाँ हाँ ठीक है सर, आप बताइए। बड़ा शांत शांत बैठे हैं, हमें लगा आपसे भी बातचीत कर लें, मुस्कुरा रहे हैं आप आराम आराम से। बताइए यहाँ पर किसे देख रहे हैं दिल्ली में इस बार? दिल्ली में तो बीजेपी को ही देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी पसंद नहीं आई? नहीं। क्यों, क्या लग रहा है आपको? जो 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 कॉलोनियाँ हैं जैसे उत्तम नगर की है, उधर खुदाई करके छोड़ दी, ना कोई विकास कर रहे हैं ना कुछ, नालियाँ खुली पड़ी हैं, उसमें बच्चे भी गिर सकते हैं। और ये लग रहा है कि काम नहीं किया, काम नहीं किया, नहीं काम नहीं, खाने के लिए फ्री के लिए इन्होंने बस और ये कर दी हैं, पर विकास नहीं हुआ है कुछ भी। सीनियर सिटीजन बेचारा टिकट लेके खड़ा होकर जाता है, हैं जवान जो लड़कियाँ बैठ के जाती हैं और फ्री में जाती हैं। एक बार मैं बस में चढ़ा, एक सीनियर सिटीजन चढ़ा बेचारा, सीनियर सिटीजन सीट पर बैठा हो तो वो एक लड़की बैठी हुई थी, उसका बेटा मेरे को सीट दे दो, कहता अंकल मैंने करमपुरा जाना है। वो कहती बेटे मैंने भी करमपुरा जाना है, बड़ी मुश्किल सीट खाली कराई उससे। तो मतलब आपको पसंद नहीं आई है जो फ्री वाली टिकट वाले? बिल्कुल बिल्कुल, फ्री वाले कोई चीज़ पसंद नहीं है, कोई सी सरकार के फ्री की कोई चीज़ पसंद नहीं है। लोगों को वो आदत लग जाती है फ्री फ्री की? बिल्कुल, क्योंकि जितने भी लोग जा रहे हैं इतने पैसे तो सभी दे सकते हैं, 10-15 रुपए की टिकट तो ले ही सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बात करूं दिल्ली में काम काज की, बोला गया था कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, कुछ नहीं हटा, कोई काम नहीं हुआ। बोला था यमुना साफ कर देंगे, वो भी नहीं हुई, कुछ नहीं, सिर्फ घोटाले घोटाले हुए। तो आपको लग रहा है इस बार आने वाली है? नहीं, अब तो दूर दूर तक नहीं है, कह रहे फुल बहुमत से आएंगे इस बार। अरे 70 सीटें लेकर, 4-5 सीटें लाए, वो भी गनीमत है। वृद्धावस्था पेंशन इन्होंने खत्म कर दी है, कोई नई पेंशन नहीं बन रही है। बस वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, कह रहे हैं इनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। भाई ये पैसा यूं ही बांटे रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं? आपको लग रहा है फ्री फ्री वाली जो चीजें दे रहे थे कुछ काम आएगा इस बार? ये नहीं होना चाहिए, जरूरतमंद। अच्छा, आपके घर की महिलाएं सफर करती हैं बसों में? आधार पे होना चाहिए ये। आपके घर की कोई महिला बस में सफर करती है? हाँ, नहीं नहीं करती। और करती होती और उन्हें फ्री का टिकट मिलता तो आपको ये स्कीम कैसी लग रही है? तब भी स्कीम अच्छी नहीं, अच्छी नहीं है। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देख रहे दिल्ली में किसकी लहर देख रहे हैं आप? बीजेपी। बीजेपी की, क्यों ऐसा क्यों? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है 10 साल। आम आदमी पार्टी सिर्फ फ्री फ्री कर सकता है, कोई डेवलप नहीं कर सकता। अच्छा। जो रस्ते के ऊपर नाली बना हुआ है, रस्तों में नाली बना है, पानी गंदा पानी, और बाद में बीमार भी पड़ रहे हैं। अच्छा। सिर्फ फ्री में जाने से नहीं चलता, उसमें स्कूल बनाए बहुत अच्छे, स्कूल करने से स्कूल पढ़ाई किया कि नाली पे, नाली से जाएगा बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ गया फायदा क्या होगा, वो पढ़ाई कहाँ से करेगा, जब बीमार पड़ेगा पढ़ाई कहाँ से करेगा। आम आदमी पार्टी के काम पसंद नहीं आए? एकदम पसंद नहीं है। बीजेपी का कोई काम बता दीजिए जो बढ़िया सा किया हो। बीजेपी देखो सेंट्रल में है। हाँ। सेंट्रल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे 12-10 में हम लोग देश का कोई उन्नयन नहीं था। हाँ। पर जैसे पाकिस्तान धमकी देता था, चाइना धमकी देता, आजकल लोग धमकी नहीं दे पा रहे। आप गए विदेश घूमने, आपने देखा ये सब? कोई देश नहीं, टीवी में देखा। हम लोग टीवी में देख रहे, किताब पेपर में पढ़ रहे बस। अभी तो इससे तो पहले तो पेपर में पढ़ के तो हम लोग बोलता था ये धमकी दे रहे हैं। जैसे सिर कलम कर फुटबॉल खेलता था पाकिस्तान, वो तो नहीं खेल पा रहे हैं। मेन तो यही देश सुनने हैं तो सारे कुछ सुनने हैं। अच्छा, और कोई काम जो विकास का किया हो बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। जैसे जब रेलवे का ट्रेन का सुबह सुविधा है। अच्छा, वंदे भारत वाली बात। और क्या, और क्या, अरे बहुत कुछ किया इससे। आप किसे वोट देंगे और किसे देखना चाहते हैं दिल्ली? शुरू से बीजेपी की देखा है, अभी भी दूंगा। अच्छा, बीजेपी आ नहीं पाई काफी साल हो गए दिल्ली में, क्या लग रहा है इस बार आ पाएगी? आएगा, आएगा। आएगी। कितनी सीटें ले आएगी? जितने लाए लाएगा। 70 में से कितनी गेस कर लीजिए? 70 कम ज्यादा तो होगा ही, फिर भी अंदाजे से बोल दीजिए। एक नंबर तो नहीं बोल सकते इसमें, आइडिया नहीं रहा मेरे। तो देखिए दिल्ली की जनता का क्या कुछ मूड है वो आपने सुन लिया, किसी को बीजेपी पसंद है तो किसी को आम आदमी पार्टी के काम पसंद है। अब आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली की सियासत पर किसका राज होने वाला है, कौन यहाँ पर विराजमान होने वाला है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको बीजेपी का कोई काम पसंद है तो भी आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको आम आदमी पार्टी की कोई नीति पसंद है तो भी आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।